90s ki memory. I've always worn their brand products. They're the most comfortable ones, and you know, while growing up also you have very few limited options for like really good brands in terms of shoes, in terms of you know, when you're going to a gym, or the fact that you can't team up many cool looking shoes with your dresses. So they have such a cool variety, especially the white shoes. I love their white shoes, and I feel like it's such a huge brand, globally known. So yeah, I've always like bought their stuff. Ritik versus Tiger, which is not the official name of the film, but that's how it's trending, and it's out on October 2nd, 2019. So sweet. So it's all about the Reebok shoes, there, and I've just teamed it up with a casual flowy dress. So this is one of the coolest things that I like about Reebok, that you can even team it up with, you know, anything casual, anything dressy, with your fitness, sportswear. So it's quite versatile that way. Thank you, Jim. Thank you. Money. What's up, how are you? I don't know how I remember your face here, but very clearly. Come. After these games. Hello. Bolo. No Reebok shoes? No Reebok shoes. Unfortunately, they don't fit me. Because I'm a small person and shoe sizes, I don't know where they start from. But you'll have to custom make shoes for me, you know. I'm like a size, you have to. Because I, my size 2.53 is, which is not made. बनते ही नहीं है मुझे सारे जूते पर्सनलाइज करने पड़ते हैं हाँ बोलो यार यू नो एक्चुअली वन ऑफ माय फर्स्ट पेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स शूज वर रीबॉक ओनली आई थिंक इट गोज बैक बिकॉज माय फादर एंड मदर वर रीबॉक फैंस तो आई एम गेसिंग कि वो एक ब्रांड पावर जो है जो थोड़ी सी एक है कि श्योरिटी वाली ब्रांड है सो आई वॉज अ चाइल्ड But my parents bought me Reeboks only, sabse pehle. And for me, their logo is the most iconic, yaar. I mean, Reebok Classic can come, and a lot of other designers and a lot of other brands can come. But the Reebok ka logo hai for me has been the most is the highlight of the entire Reebok series. Aur kuch? '90s ki yaar, meri Shahrukh Khan ki sari picture badi favorite thi. दिल तो पागल ले लो आप कुछ कुछ होता है ले लो आप उस वक्त आई थिंक फॉर मी राज एंड राहुल वर लाइक द बॉयज सो आई थिंक एंड प्लस इन दिल तो पागल है दे डिड अ एंटायर स्पोर्ट्स लुक राइट करिश्मा हैड कम विद दिस एंटायर सो फॉर मी इट वाज लाइक अ हिट कि सडनली बॉलीवुड इज बिकम दिस एंड एथलीजर देन वाज हैड बिकम लाइक अ लुक सो दैट इज माई मोस्ट विविड मेमरी इफ यू वॉन्ट लिंक द टू हाँ यार आई लव होली मुझे बड़ी अच्छी लगती है होली खेलनी आई लव कलर्स आई लव वाटर आई लव फ्रेंड्स आई लव द मैडनेस ऑल टुगेदर बट इस साल मैं एक्चुअली शूट कर रही होंगी या काम कर रही होंगी तो पता नहीं अगर खेल पाऊंगी कि नहीं होली विश आई वांट टू विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी फन होली कीप इट सेफ कीप इट रिस्पॉन्सिबल बट हैव अ ब्लास्ट या ऑलराइट Hey! 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 H
इतना तो बनता ही है ना. ओह माय गॉड, चाकी कैमरा ही है ना, बड़ा लेके घूम. थैंक यू. हाय, कैसे हैं आप? मुझे आज ही मिले हैं जी. ये जो पूरा कलेक्शन है वो 90s के स्टाइल पे आधारित है, जो मुझे अभी समझाया गया है इनसे. बट इट्स अ वेरी कूल कलेक्शन. इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग रेट्रो बैक एंड आई लव माय पेयर ऑफ स्नीकर्स. इनमें जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी रंग बिरंगे से हैं एंड आई जस्ट गॉट देम टुडे एंड आई एम गोइंग टू मेक गुड यूज़ ऑफ देम. जूतों का मेरे लिए ज़्यादा यूटिलिटेरियन पर्पस होता है. मैं इस्तेमाल बहुत करता हूँ, भागता बहुत हूँ, कूदता बहुत हूँ, तो दे नीड टू बी कम्फर्टेबल. दैट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड दीज आर एक्सट्रीमली कम्फर्टेबल. रीबॉक इज़ एन आइकॉनिक ब्रांड एंड इट्स बिन नोन टू यू नो डिलीवर फुटवेयर फॉर पीपल ओवर द ईयर्स दैट हैज़ बिन यूटिलिटेरियन एंड दैट हैज़ बिन स्टाइलिश एज वेल. सो या, सो आई गेस दैट्स व्हाट दे रिप्रेजेंट. 90s की तो कई सारी मेमरीज हैं. मैं 90s के रीबॉक शूज की कुछ खास नहीं है, बट आई रिमेम्बर हैविंग अ पेयर ऑफ रीबॉक शूज व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड, जो छोटे से मतलब मेरे छोटे छोटे पाँव में जो फिट होते थे. सो आई डू रिमेम्बर हैविंग अ पेयर ऑफ रीबॉक शूज एंड मुझे 1.5-2 साल चले और उसके बाद मेरे पाँव थोड़े बड़े हो गए. सो दैट्स माई मेमरी. डेली तो नहीं मिलते, जब भी मिलते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन जब आपकी कोशिश जान लीजिए आपसे ऑनलाइन आपसे पूछते हैं कुछ इस तरह के सवाल कैसे लगते हैं? देखिए, इस तरह के सवाल तो मुझे लगता है इससे बेहतर सवाल आप लोग ने हमें पूछे हैं. माशाल्लाह इतने कमाल के सवाल पूछते हैं आप कभी कभार कि आपकी आज का मौसम कैसा है और ये कैसा है और वो कैसा है. तो अगर पूछनी है तो मुझे लगता है उन्होंने भी आपसे ही प्रेरणा ली होगी ये सवाल पूछने के लिए. प्रॉब्ली माई टेस्ट इन म्यूजिक. इट्स I mean, it's fairly eclectic, but I love listening to 90s music. A lot of Michael Jackson. One habit that you still carry from the 90s? One habit that I carry from the 90s? You pick one out of many, I'm sure. Living and breathing, I started that in the 90s. Breathing is a habit, no? Anishan ji, so hame 2019 mein aapke upcoming project ka intezaar hai. Ji. Also, there is a news, you are doing a biopic. Like I said, like I have always said, के अच्छे से अनाउंसमेंट करेंगे उसका. And I am as excited as you are for me to share that news with you. Trust me on that. I'm not being stingy or anything. मैं कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. But सब ढंग से अच्छे से करेंगे and very soon I will share that with you. Where did you hear that news, biopic वाला? We are the media people. We are the media people, of course. Ishan, if you could sum up Asterix in one word for you. Retro. होली विश, ऑफ कोर्स. मैं सारे दर्शकों को विश करना चाहूँगा वेरी हैप्पी होली. मौज मनाइए, खूब पिचकारियाँ इसका इस्तेमाल कीजिए, बट ट्राई एंड सेव वाटर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है जब लोग अंडे वंडे फेंकते हैं, वो मत करिए प्लीज़, बट इन्जॉय होली. थैंक यू, बाय.